हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और अभी 2022 कल से आ जाएगा और गुड बाय 2021। आज लास्ट 2021 का लास्ट डे है और कल से 2022 स्टार्ट हो जाने वाला है। 2022 का न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भगवती या जो भी दिव्य शक्ति है हमारे बीच, हमारे ऊपर, वो सभी को, सभी के परिवार को, आप सभी को खुश रखे, संपन्न रखे, कोई भी तकलीफ ना हो। हाँ तो फ्रेंड, अभी मैं हूँ NSH कंपनी बहरीन में और ये है हमारा नोगा टू कैंप। और आज है फ्राइडे, और आज फ्राइडे है, कल है फर्स्ट जनवरी, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर 2022। और अभी मैं अपने नोगा टू कैंप में हूँ। और देखिए, आज भी ड्यूटी है, फ्राइडे को बहुत लोग ड्यूटी जा रहे हैं, पीछे भी आ रहे हैं। देखिए, और अभी मैं नोगा टू कैंप में हूँ और सुबह का टाइम है। एक अलग फीलिंग होता है क्योंकि कल से नया साल चालू हो जाएगा, न्यू ईयर। और कितना बेसब्री से सबको इंतज़ार रहता है न्यू ईयर्स का, नया साल का, कि नया साल कब आएगा, नया साल कब आएगा। और जो भी ये साल है 2021, जो भी आज बीत जाएगा, इसका भी, इसको भी हम लोग बहुत मिस करेंगे। इसमें क्या क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, जो कुछ भी हुआ, मान लीजिए कि जो साल है ये फिर दोबारा आ नहीं सकता है। और जो बीत जाएगा वो कहाँ आएगा, फिर दोबारा थोड़े नहीं आएगा। और देखिए, हमारे पीछे हमारे भाई लोग ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। और आज ड्यूटी 7 बजे से स्टार्ट होता है, डेली 6 बजे से चालू रहता है, मगर आज 1 घंटा लेट स्टार्ट होता है फ्राइडे को, फ्राइडे और होलडे को। तो अभी टाइम था, सोचा कि मैं थोड़ा वीडियो शूट कर लूँ। बहुत भाई लोग हमारे कमेंट कर रहे हैं कि वीजा, जैसे कि इंटरव्यू हो गया है, बहुत लोग का ऑफ़र लेटर आया है, बहुत लोग का ऑफ़र लेटर नहीं आया है। तो पूछ रहे थे कि बताइए कब तक आएगा वीज़ा, कब तक आएगा ऑफ़र लेटर, कब तक है। तो ऑफ़र लेटर जिसका आ गया है उसका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद वीज़ा जल्दी ही जाएगा। देखिए, इधर हमारे पीछे NSH का बस लगा है, फ्राइडे। देखिए, इधर भी पानी का टैंकर और सब इधर लगा है। देखिए, इधर भाई हमारे ड्यूटी जा रहे हैं, इनका ड्यूटी इधर ही है फेपसोप में। और ये जो बस जाएगी, ये पूरा साइड जाएगी, BMP साइड, बहरीन मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट, जो हमारा न्यू प्रोजेक्ट है उसमें जाएगी। इधर हमारा फेपसोप है, दिखाए हैं इसके वीडियो बनाए हैं, इधर फेपसोप है, तो इधर भी लोग ड्यूटी करते हैं। और एक नोगा वन है, उसमें भी ड्यूटी करते हैं। ये यार्ड है, ये साइड में कैंप के हमारे बगल में, उधर भी लोग ड्यूटी करते हैं। 3-4 जगह ड्यूटी चलता है, लेकिन मेन जो साइड है हमारा BMP ही है। तो हमारे बहुत भाई लोग कमेंट कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, तो हम बताना चाहते हैं कि घबराइए मत, वीज़ा जाएगा, बारी बारी जा रहा है सबका वीज़ा। और जैसे आपका वीज़ा जाएगा, आपका ऑफिस आपको कॉन्टेक्ट करेगा, आपको खुद जल्दी आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। और अपना ठंडी का जो भी है, अपना आइटम है, टोपी, स्वेटर, जैकेट, सब अपना ले लीजिएगा, क्योंकि ठंडी अभी बढ़ गया है। यहाँ पे देखिए, हम भी ऑलरेडी जैकेट पहने हैं, फिर भी ठंडी यहाँ पे लग रहा है। और सब अपना ठंडी का आइटम ले लीजिएगा, क्योंकि ठंडी ऑलरेडी बढ़ चुका है। और जिनका भी ऑफर लेटर गया है, वो भी मेडिकल के लिए तैयार रहे। गमका का मेडिकल होता है, अभी गमका का मेडिकल हो रहा है हमारे NSH कंपनी में, पहले से ही होता है गमका का, यहाँ का रूल्स है, बहरीन का गमका का मेडिकल होता है। और गमका का मेडिकल कराएंगे, उसके बाद से आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा, वीज़ा चला जाएगा। और वीज़ा के बारे में डिटेल का मैं वीडियो कल बताया था, कल वीडियो बना कर मैंने डाला हूँ, मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा वीज़ा के बारे में। देखिए, हमारे पीछे NSH का बस आ रही है। अभी ड्यूटी का टाइम हो चुका है, मतलब बस जाने का टाइम, यहाँ से ड्यूटी तो है 7 बजे से, अभी लमसम 6 बजेगा। और देखिए, पीछे NSH का, ये देखिए बस आ रही है, NSH का बस।
ये है हमारा पेप्सो। पीछे में एक प्रोजेक्ट है, देखिए देख रहे हैं ना, लाइट बना है, वहाँ पर लाइट जल रहा है, वो प्रोजेक्ट है पीछे में, रनिंग प्रोजेक्ट है, यानी कि चालू प्रोजेक्ट है। हमारा एनएसएस का नोगा टू कैंप, अभी मैं हूँ बहरीन में, सुबह का टाइम हो रहा है मॉर्निंग 6 o'clock, और आज है 31 दिसंबर, यानी कि 2021 का लास्ट डे और दिसंबर का लास्ट महीना। ये फिर साल दोबारा नहीं आएगा हम लोग के ज़िंदगी में, कहाँ आएगा, फिर केवल यादें बन के रह जाएगा। जो भी बीत जाता है वो सिर्फ याद ही रह जाता है और कुछ नहीं रहता है। लोग याद करते हैं, सोचते हैं कि हाँ उस दिन ऐसा हुआ, वो साल में ऐसा हुआ, लेकिन फिर दोबारा वो कहाँ मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। एक एक पल है ज़िंदगी में, इतना महत्व है कि पूछिए मत, उसका कीमत बहुत ज़बरदस्त है। और ये ज़िंदगी भी दोबारा कहाँ मिलेगा कौन जानता है, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना बड़ा दुनिया है। साइंटिस्ट तो बोलते हैं, हम लोग का कहाँ उतना वो है, साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमारे जो आकाशगंगा है, ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों आकाशगंगा है, ऐसे ऐसा जो हमारा धरती है, सूर्य है, चंद्रमा है, ऐसे ऐसा लाखों करोड़ों ग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा, कौन कहाँ जन्म लेगा, क्या चीज़ बनेगा, क्या होगा, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कौन जानता है। लेकिन यह है कि अगर कहीं ज़िंदगी है तो धरती पर ही है, यहीं पर मान लीजिए हम लोग देखते हैं, और आगे भी होगा तो कौन जानता है क्या होगा कहाँ होगा। तो देखिए इधर अभी ये फोर्कलिफ्ट है, अभी ये लेके जा रहे हैं शायद एप्सो में या साइड पे ही लेके जा रहे हैं, एप्सो में लेके जा रहे हैं। अभी एक्टिविटी चालू हो गया है क्योंकि अभी सुबह का 6 o'clock हो गया है, 7 बजे से ड्यूटी ही ऑलरेडी। और ये है हमारा कैब नोगा टू, और देखिए इधर पीछे में बस पूरा लग गई है, एनएसएच का बस, देखिए पूरा एनएसएच का बस है, और देखिए इधर भी बसें आ रही है, इधर भी बसें आ रही है, पूरा इक्विपमेंट है एनएसएच का, देख रहे हैं पूरा यहाँ से लेकर यहाँ से, और इधर भी बस आ रही है। देखिए बसों का काफिला स्टार्ट हो चुका है, 150-200 बस है जो कि लोग लेकर ड्यूटी के लिए जाते हैं। देखिए पूरा एसी बसें हैं, सब एसी लग्जरी बस है, पूरा टोटल एसी बसें, बिना एसी का कोई बस नहीं है, टोटल एसी बस है, पूरा एसी बस है। देखिए और लाइटिंग का देखिए, इनके ऊपर पूरा हेडलाइट है, सब इंडिकेटर हेडलाइट एकदम चकाचक, कोई भी बिना लाइट का नहीं रहेगा। देखिए देखिए लाइट देखिए साइड से, पूरा लाइटिंग है, टोटल जितना भी इक्विपमेंट है सब पे लाइटिंग ज़बरदस्त। देखिए देखिए लाइटिंग देख रहे हैं, इंडिकेटर है, लाइटिंग है एकदम ज़बरदस्त है, देख रहे हैं ना। देखिए इसका भी देखिए लाइटिंग, साइड से भी इंडिकेटर है और ऊपर से भी लाइटिंग है। बिना लाइटिंग का इंडिकेटर का यहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट रोड पे नहीं चल सकता है। ये तो अभी कैंप है हमारा, बट जो हाईवे है NH है उस पर कोई भी बस या कोई भी इक्विपमेंट A to Z बिना लाइट का, बिना इंडिकेटर का नहीं चल सकता है। यहाँ का नियम बहुत कड़ा है, बहुत टाइट है। अगर कोई भी इक्विपमेंट रोड पर बिना इंडिकेटर का लेकर चला जाएगा तो पुलिस इतना फाइन मार देगी उसको कि फिर वो दोबारा ज़िंदगी में वैसा गलती करेगा नहीं शायद। हम लोग यहाँ ऐसा नहीं है, इंडिया में हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा व्यवस्था है। यहाँ पे गल्फ में ज़्यादातर है, दुबई, कतर, मस्कट, बहरीन, ओमान, जो भी है यहाँ पर केवल गल्फ का मैं देखता हूँ। यहाँ सब चकाचक रहना चाहिए गाड़ी में, ये नहीं कि शीशा फूटा है आप रोड पर दौड़ा देंगे, इंडिकेटर नहीं है एक टूट गया है रोड पर दौड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। ड्राइविंग आपको मालूम नहीं है, 2 दिन भी गाड़ी चलाए हैं रोड पर दौड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। ड्राइविंग विधिवत से चेकिंग होता है, उसके बाद लाइसेंस मिलता है। यहाँ का जो अथॉरिटी है जिसको परमिट मिला है ड्राइविंग चेक करने का, यहाँ का वो ड्राइविंग चेक करता है आपको, एकदम श्योर हो जाएंगे उसमें पास होंगे, उसके बाद से आपको लाइसेंस मिलेगा, यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस। हमारे एक दो भाई लोग कमेंट भी कर रहे थे कि लाइट ड्राइवर है, कितना सैलरी है थोड़ा बताइए। और तो पहला नंबर कि यहाँ का लाइसेंस चाहिए, गोल्फ का लाइसेंस आपका रहेगा तभी होगा,
बिना गल्फ का लाइसेंस का नहीं होगा, इंडिया का लाइसेंस मान्य नहीं है, केवल यहाँ का लाइसेंस चाहिए, और यहाँ का लाइसेंस रहेगा उसके बाद से भी आपको यहाँ का ट्रेनिंग में पास होना पड़ेगा, वो लोग चेक करेंगे, अगर पास हो जाएंगे उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा, क्योंकि यहाँ का ड्राइविंग भी उल्टा है। अपने यहाँ का जो है राइट साइड में रहता है इक्विपमेंट में वो ड्राइविंग करने वाला, यहाँ पर लेफ्ट साइड में ही रहता है। देखिए देख रहे हैं लाइटिंग, जबरदस्त लाइटिंग, देखिए इंडिकेटर देखिए इसका साइड से, देखिए यह है हमारा नोगा टूके, और अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, और वॉकिंग मैं भी ड्यूटी जाऊँगा अभी सुबह। देखिए हाँ, तो फ्रेंड हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसा वीडियो देखने को मिले हमारा NSS से रिलेटिव और बहरीन प्लेस के ब्यूटीफुल प्लेस का वीडियो बहरीन का। ओके फ्रेंड, गुड बाय।